दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ. आदाब और सलाम आप सबको तमाम वासियों को. और ये चिश्ती फाउंडेशन की तरफ से आज जैसा कि कल ईद हो सकती है या परसों जैसे भी चांद रात रहेगा तो ये करीब 500 से ज़्यादा हमने गिफ्ट बॉक्सेस बनवाए हैं जो डोर टू डोर सप्लाई होंगे. अजमेर के अलग अलग हिस्सों में बिटूर गांव है वहाँ भी भेजे जाएंगे. और 22 मार्च से ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है जब से चिश्ती फाउंडेशन और हमारे तमाम जो वॉलंटियर्स हैं अजमेर शहर में ही नहीं बल्कि दिल्ली बॉम्बे हैदराबाद और कलकत्ता जहाँ जहाँ हमारे चैप्टर्स हैं वहाँ पे एसेंशियल होम सप्लाई सोशल डिस्टेंस को सामने रखते हुए. और जैसा कि ये गिफ्ट बॉक्सेस जब बने हैं इसीलिए कि इस बार की ईद काफ़ी मुख्तलिफ ईद रहेगी. लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे. महीने भर रमज़ान के बाद भी लोग एक दूसरे से गले भी नहीं मिल पाएंगे. तो हमने यही नियत करी है कि भले ही लोग घरों से बाहर ना निकल पाएँ लेकिन उनके डोर टू डोर जाके चेहरों पर मुस्कुराहट ला के इस बार ईद मनाएँ. आस पड़ोस का ख्याल रखें. जहाँ भी ज़रूरतमंद हो जितना आप उनकी हेल्प कर सकते हैं जो पहुँचा सकते हैं इसी अपील के साथ चिश्ती फाउंडेशन ये काम कर रहा है. और आगे भी जब तक ये लॉकडाउन का सिलसिला चलता रहेगा देश में इंशाल्लाह यही देश सेवा भी है कि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए सेवा करनी है. और उसी में चिश्ती फाउंडेशन के तमाम वॉलंटियर इसमें लगातार सेवा कर रहे हैं. भाई जान ईद आने वाली है परसों ईद मनाई जाएगी इसमें ईद का क्या क्या सामग्री आपने डाली है? जी जैसे ईद के ऊपर एक खुशी का त्यौहार है तो सिवैयाँ हमने डाली है इसके अंदर और शरबत की बोतल है घी है शक्कर है बच्चों के लिए इसमें चॉकलेट्स हैं बिस्किट्स हैं एक चाय का पैकेट है. तो इस तरीके की कि खुशनुमा ईद मना सकें और मुस्कुराहटों के साथ यही नीयत के साथ हमने ये पैकेट बनाए. क्या अपील कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि 60 दिन हो गए हमने बड़ा सब्र के साथ संयम के साथ इस कोरोना महामारी के साथ हमने जंग करी है. इंशाल्लाह इसमें हमें जीत भी मिलेगी. इसी को आगे बढ़ते हुए अगर हमारे बाज़ार खुलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस आती है उसी को पालना करते हुए आने वाले वक्त में भी हम जिस तरह हमने संयम बरता है आगे भी करते रहें. और ईद की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. आने वाले तमाम पर्व की बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआएँ अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से. आपका नाम? हाजी सैयद सलमान चिश्ती गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन.